हेलो बच्चों, वेलकम टू विनिंग स्टडी पॉइंट ई क्लासेस। आज हम हमारे मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के आरडी शर्मा के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले फर्स्ट चैप्टर करा चुका हूं। ठीक है, मैं आपको मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम इसमें से आरडी शर्मा के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है ना, इसमें करना क्या है हमें, वैसे तो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट अपने एनसीईआरटी से सीखे हैं वो तो हैं ही, बट उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो नए कॉन्सेप्ट हैं जो आपके पेपर में कई बार दिख जाते हैं, ठीक है, या थोड़ा एडवांस अगर हम अपनी मर्जी से करना चाहें तो मैं वो चीज़ें आपको इसमें करवा रहा हूँ। ठीक है, कि हम ऐसा अपनी दायरा लेके चल रहे हैं जिसमें कुछ भी ना छूटे। ठीक है ना, कि हमारे सामने से सारे क्वेश्चन निकले हुए हो। अब आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चन तो हम नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं हर चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो सारे तो नहीं, बट जो थोड़े अलग हैं या जो आप जिस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, मैं उसके आपको एक एक या दो दो एग्जाम्पल कराऊंगा। बाकी आप अपनी मर्जी से, मतलब अपने आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, आपको आरडी शर्मा में से ट्राई करना है खुद से और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज जो हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखें तो ये आरडी शर्मा जो आपकी बुक है, मेरे पास ये वाली, ये जो बुक है आपकी, ठीक है, ये थोड़ा पुराना एडिशन है, बट आप नया एडिशन भी खरीद सकते हैं, फर्क कुछ नहीं होता, बस दो चार एग्जाम्पल एक्स्ट्रा उसमें होंगे तो थोड़े से आगे पीछे नंबर होंगे, बाकी क्या नाम है, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें सेम रहते हैं। ठीक है, आज जो मैं आपको पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं इसमें से, वो क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 3 माइनस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें प्रूव करना है कि रूट 3 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने अपने बुक में यानी एनसीईआरटी में नहीं किया था, जो कि हम इसमें करने जा रहे हैं। वैसे तो ये आपका 10th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, 10th में आपका ये चीजें आती हैं कि रूट 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू, मतलब सॉरी, इज एन इरेशनल नंबर, ये बात आपको प्रूव करनी हो, ये आप वैसे 10th क्लास में सीखते हैं, पर हम इसे कर लेते हैं। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए सही रहेगा। तो आपको सबसे पहले इसे लेट करना है x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2, देन आपको करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर बनेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6 के। ठीक है, तो ये हमारा क्या नाम है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सो एक्स स्क्वायर, अब यहां पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर ये प्लस हो रहा है, इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 2 रूट 6। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 6। सो 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट 6, तो यही फाइनली बचेगा। आप खुद देखें कि भाई एक्स स्क्वायर बराबर है 5 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, हमारे ये सॉल्व करके आया। अब ये प्लस का 5 इधर ले जाके आप करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, और आप जब माइनस के साइन को चेंज करेंगे, क्योंकि यहां भी माइनस है, अब माइनस के साइन को चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, 5 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2 इसके रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे ले जाओगे तो आप क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहां पे हमने इसको कर दिया। नाउ अब हम लिखते हैं कि इफ एक्स इज अ रैशनल नंबर, अगर एक्स एक रैशनल नंबर है तो एक्स स्क्वायर भी रैशनल नंबर होना चाहिए।
एंड 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटे अपॉन में 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, इसे भी रैशनल नंबर होना चाहिए, बट रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। बट रूट 6 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है कि अगर रूट 6 इरेशनल नंबर है तो ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू जो पूरी रूट 6 के बराबर है, अगर ये इरेशनल है तो ये भी तो क्या होगी, इरेशनल। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक रैशनल इरेशनल के बराबर होगी। हम अगर एक्स को रैशनल मान रहे हैं तो एक्स स्क्वायर भी रैशनल आना चाहिए और ये पूरा का पूरा भी रैशनल आना चाहिए। पर जब क्योंकि ये इस रूट 6 के इक्वल आ गया और रूट 6 एक इरेशनल है तो ये भी रैशनल नहीं हो सकता, इसलिए ये भी एक इरेशनल है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस आप लास्ट में लिखेंगे, यहां लिख सकता, यहां लिख रहा हूं मैं, हेंस रूट 3 माइनस रूट 2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो ये बात आपकी प्रूव हो गई कि रूट 3 माइनस रूट 2 भी एक इरेशनल नंबर है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे आप नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूं वो है फाइंड एन इरेशनल नंबर, सॉरी, या एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। इन दो नंबरों के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर बताना है। ये एक आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसके आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, रूट 11, रूट 5, रूट 22.5 एंड डी रूट 12.5। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर है, मतलब 2 एंड 2.5 के बीच में एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप देखें आपको क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सीधा टिक लगाना है कि कौन सा इनका इसका आंसर है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो है आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, रूट 5। अब ये कैसे मैंने अंदाजा लगाया है या मैंने कैसे ये निकाला वो मैं बता देता हूं। आप खुद ही सोचें कि जो रूट 11 है, ठीक है, आपको किसके बीच में नंबर चाहिए, 2 एंड 2.5 के बीच में। तो 2 एंड 2.5 के बीच में चाहिए, तो 11 जो है आप खुद सोचिए कि 3 से बड़ा हो, सॉरी 9 से बड़ा है, 9 से बड़ा होता है ना 11, और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि इसका मतलब है कि जो रूट 11 है उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक 3 से बड़ी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा 3 से बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि 9, अगर रूट 9 होता तो 3 आ जाता, रूट 10 उस 3 से बड़ी वैल्यू, रूट 11 उससे और बड़ी वैल्यू। यानी कि अगर रूट 11 की वैल्यू 3 से बड़ी है तो वो 2 एंड 2.5 के बीच में तो आ ही नहीं सकती है। सीधी सी बात है कि रूट 11 जो है उसकी वैल्यू 3 से बड़ी है तो वो 2 एंड 2.5 के बीच में नहीं आ सकती। इसी तरीके से जब रूट 11 3 से ज्यादा बड़ा है तो सोचो 22 तो और ज्यादा बड़ा है, 22 तो 4 से भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये 22.5 है तो वो 16 से भी बड़ा है, यानी कि ये जो है ये 4 के स्क्वायर से बड़ा है तो वो 2 एंड 2.5 के बीच में आएगा ही नहीं। फिर 12.5, जब 11 जो था वो इनके बीच में नहीं आ रहा था तो रूट 12.5 भी इनके बीच में नहीं आएगा। तो बचा कौन, जब तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो हमारा बचा रूट 5। ठीक है, वैसे भी जब आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो 2.23 समथिंग ऐसे आगे चलता है। ठीक है, आप वैल्यू को निकालेंगे तो इसके आगे निकलेगा, ठीक है, 2.23 और आगे चलता रहेगा। तो रूट 5 की वैल्यू 2 एंड 2.5 के बीच में आ जाती है। इसके लिए आपको रूट 5 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा, 2 2 4, ये आपको आता होगा। ठीक है, ये माइनस कर, यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ माइनस कर देते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 00 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 4
और 8, ठीक है, सॉरी 2, और यहाँ कितना बचा 16, 00 आएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4। अब 4 4 4 जा 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 1 13, ऐसे करके लेंगे तो 2.23 अभी और आगे चलेगा ये, तो इसलिए मैं कह रहा था कि रूट फाइव की वैल्यू 2.23 आती है समथिंग, और आगे चलता रहता है। हमें दो वैल्यू तक निकालने, दो डेसिमल के बाद दो प्लेस तक हमें निकालना होता है, उसके आगे हमें कोई खास जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसके यानी कि 2 एंड 2.5 के बीच में रूट फाइव हमारी वैल्यू आती है, ठीक है। वैसे तो हमने एलिमिनेट करके ही निकाल लिया, पर अगर फिर भी आपको निकालना है तो आपने 8th क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा है, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर मान लो हमें ये ऑप्शंस ना दिए होते तब हमें अगर बोला जाता है कि 2 एंड 2.5 के बीच में एक इरेशनल नंबर लिखो, एक अपरिमेय संख्या लिखो इन दोनों के बीच में, 2 एंड 2.5 के बीच में, तब हम कैसे लिखते हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना हो तो हमेशा आपको पैटर्न वाले नंबर लिखने हैं। तो हम लिखते हैं 2.10110110110110, ऐसा कुछ हम पैटर्न बना देते, ठीक है। ऐसे हम अनगिनत पैटर्न बना के अनगिनत नंबर लिख सकते हैं। एक नंबर क्या, हम ऐसे 100 200 1000, जो हमें जितने नंबर लिखने के लिए बोला जाए हम उतने नंबर लिख सकते हैं। फिलहाल एक पूछा है तो हमने एक ऐसा बना के लिख दिया, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आता है, √2 एंड √3 के बीच में इरेशनल नंबर निकालो, ठीक है। ऐसा आ जाए तो आपको √2 की वैल्यू निकाल लेनी है पॉइंट में, 1.414 समथिंग, √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग, आगे चलता रहता है ऐसे। अब आपको इनके बीच का इरेशनल नंबर लिखना है तो 1.4 से लेके 1.7 के बीच में ऐसा कोई सा भी पैटर्न वाला नंबर बना दो, 1.50 500 5000 5000 5000, ऐसा कुछ भी पैटर्न बना दो, वो आपका इसके इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर होगा। तो आई होप इनके बीच में आपको अब इरेशनल नंबर निकालना आ गया, तो इसमें आप गलती नहीं कर सकते। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे करते हैं, तो मैं ऐसे ही आपको रैंडम क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। जरूरी नहीं है, मतलब ये मैं लाइन से करा रहा हूं आपको, ये सारे आरडी शर्मा में ही मिलेंगे, आरडी शर्मा के ही ये रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है। पर मैं आपको कराते जा रहा हूं जो भी आपके एग्जाम में आने लायक हैं और जिनको आपको सीखना जरूरी है, कि आप कम से कम ये सीखेंगे तभी आप इसको आगे फर्दर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही एक रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो कैसे, मैंने आपको सिखाया था, लिखेंगे ऑन रैशनलाइजिंग तो रैशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, मैंने बताया था, इसमें मल्टीप्लाई करना है 2√2 − 3√3 से, अपॉन में 2√2 − 3√3। अब ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 − √5 मल्टीप्लाइड बाय 2√2 − 3√3 और अपॉन में आ जाएगा a + b a − b, तो होता है a² − b², ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर पहले 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 − 3√3 को, फिर √5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2√2 − 3√3, और नीचे बन जाएगा 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर होता है 8, करके देख सकते हैं आप चाहे। देखो 2√2 का मतलब क्या है, 2 × √2 और फिर से 2 × √2, तो 2 2 जा तो 4 हो गया, और √2 × √2 ये 2 बन जाएगा, तो 4 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8, और 3√3, ठीक है, 3√3 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 27। कैसे आया ये बिल्कुल ऐसे आया जैसे ये किया आपने, 3√3 के लिए आप करेंगे
तो आप करेंगे 3 into √3 into 3 into √3, तो 3 3 is 9 और √3 into √3 3, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। अब ऊपर अंदर मल्टीप्लाई करो आप, ऊपर आपस में मल्टीप्लाई, जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे देखो 2√2 3 को 2√2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको सिखाया था ये बात कि रूट के बाहर वाले से रूट के बाहर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे और रूट के अंदर वाले की रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 4, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा √6। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको कि रूट की मल्टीप्लाई कैसे होती है, रूट के बाहर वाले नंबर की रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, रूट के अंदर वाले नंबर की रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। फिर बीच में माइनस है, लगाओ माइनस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जस्ट 6। अब ये भी √3 है और ये भी √3 है, जब रूट के अंदर सेम वैल्यूज होते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर से रूट कट के वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा। समझ में आ रही बात, √3 का स्क्वायर बन जाएगा ना ये, √3 into √3 √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये 3 बन जाएगा। ये तो छोटी सी बातें अंडरस्टूड होनी चाहिए सबको, ठीक है। अब आगे जो है माइनस के √5 से आपको मल्टीप्लाई करना है 2√2 को, तो माइनस के √5 से करना है तो माइनस का बनेगा 2√10। √10 कैसे आया, √5 into √2, तो 5 2 10 रूट के अंदर। फिर आप देखेंगे कि ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके बन जाएगा प्लस, और 3 और रूट के अंदर 5 और 3, 5 3 जा 15। इस बात का ध्यान रखना है, नीचे आपको घटाना है 8 में से 27, जब 8 में से 27 घटाते हैं तो माइनस का 19 बचता है, ठीक है। कितना बचेगा, माइनस का 19, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं आप, तो ये माइनस का 19 बचता है। इसके आगे अब आप ये माइनस को जो है ऊपर भेज देंगे तो ये पूरा का पूरा माइनस का हो जाएगा, 4√6 - 3 6 = 18 - 2√10 + 3√15 और नीचे आ गया 19। और जब ये माइनस को आप अंदर भेजते हैं तो ये माइनस का 4√6 बन जाएगा, माइनस और माइनस +18 बन जाएगा, माइनस माइनस +2√10 बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3√15 बन जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 19। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ऐसे ही रैशनलाइजेशन के और क्वेश्चन है अभी हमारे पास, हम और करते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो आप इनको नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बड़े फेमस हैं हमारे, जो पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको कुछ एक दे दिया टर्म, ठीक है, इसको ये दे रखा है कि ए प्लस बी रूट 15 के इक्वल है, तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो उसमें आपको करना क्या है कि आपका LHS है, LHS मतलब पता है ना लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS है राइट हैंड साइड। तो आपको ना इसको रैशनलाइज करके इसके इसके जैसा बनाना है, क्योंकि देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और वो भी रूट वाले नंबर। तो हमने बात कर रखी है कि डिनोमिनेटर में कभी भी हम रूट को नहीं छोड़ते, उसी को हम ऊपर ले आते हैं, तो उसे हम रैशनलाइज करना कहते हैं। तो इसे आप रैशनलाइज करेंगे और जो भी वैल्यू बनेगी तो उसको ए और बी से कंपेयर करके उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो टेक LHS, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ टेक LHS, आपने LHS ले लिया, √5 + √3 अपॉन में √5 - √3, ठीक है। फिर आप लिखेंगे ऑन रैशनलाइजिंग, रैशनलाइज करेंगे कैसे, √5 + √3 √5 - √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 - √3 √5 + √3। बताया था ना कि नीचे माइनस होता है तो बीच में प्लस लगा के मतलब मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। अब ऊपर आप देखेंगे √5 + √3 √5 + √3 सेम नंबर है, तो ये सेम नंबर है तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अब मैं इसका जो होल स्क्वायर है वहां पे सॉल्व कर रहा हूं, तो जब आप इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू
ए बी, ठीक है, एक ए की जगह रूट फाइव है ना और बी की जगह रूट थ्री है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही होता है हमारा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट फाइव का स्क्वायर कितना होता है फाइव और रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है थ्री। अब ऊपर वाले भी सॉल्व कर देते हैं, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, प्लस में टू रूट फाइव थ्री जा फिफ्टीन, और नीचे फाइव में से थ्री गया तो कितना बचेगा टू, फाइव और थ्री कितने होते हैं एट, प्लस टू रूट फिफ्टीन अपॉन में टू, तो ये हो गया। पर अभी पूरा नहीं हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं कि देखो टू इसमें भी आ रहा है और ये एट, एट जो होता है वो भी टू के टेबल में आता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों में से टू को कॉमन ले सकते हैं। जब आप टू कॉमन ले लोगे तो बनेगा ये फोर प्लस रूट फिफ्टीन और नीचे बनेगा टू, तो आप जब इस टू से टू को काट देंगे तो बचेगा आपके पास फोर रूट फिफ्टीन, फोर प्लस रूट फिफ्टीन सॉरी। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये फोर प्लस रूट फिफ्टीन जो था, इसके आगे करना है ठीक है, 4 प्लस रूट फिफ्टीन ये बराबर था a प्लस बी रूट फिफ्टीन के, ये इसी के बराबर था ठीक है ना, ये किसके बराबर था a प्लस बी रूट फिफ्टीन के, तो ये बराबर हो गया 4 प्लस रूट फिफ्टीन के ठीक है। तो क्या निकल के आता है, इससे निकल के ये आता है कि जो a है ना ये किसके बराबर है 4 के, तो a किसके बराबर है 4 के, और इस रूट फिफ्टीन के आगे कुछ नहीं है, जब इसके आगे कुछ नहीं है तो वन है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है वन, तो हमारा जो b आ गया वो किसके बराबर आ गया वन के। तो आपको यही कंपेयर करके बताना था कि a और b की वैल्यू, तो a की जगह पे चार लिखा हुआ है तो a की वैल्यू फोर हो गई, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा था तो हम कहते हैं वन लिखा हुआ है, यानी b की वैल्यू वन हो गई। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि a की वैल्यू फोर है और b की वैल्यू वन है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है कि रूट फाइव माइनस टू अपॉन रूट फाइव प्लस टू माइनस रूट फाइव प्लस टू अपॉन रूट फाइव माइनस टू, इसे सिंप्लीफाई करके दिखाना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता ही आता है ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपके एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे जाएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन जरूर छोड़ के आएंगे ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं, अभी तक हमने इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो किए हैं आप खुद दे सकते हैं कि वो आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, पर हम इनको यहाँ पे करेंगे ठीक है। अब मुझे अगर इस क्वेश्चन को करना है तो कई बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को रैशनलाइजेशन सिखाया है, तो वो क्या करते हैं कि इस टर्म का अलग रैशनलाइजेशन करते हैं, इस टर्म का अलग रैशनलाइजेशन करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। पर ऐसा करना ठीक तो है पर वो काफी लंबा प्रोसेस है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट करना है। आप खुद देखो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, अगर दिख रहा है देखो, अगर यहां पे इससे बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू होती ना तो मैं वही अप्रोच लगाता जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, पर आप खुद देखें यहां पे बिल्कुल सेम वैल्यू है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे कि इसकी इससे और नीचे आपस में, तो हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी गुना आप इससे करें, तो आप देख सकते हैं ये भी रूट फाइव माइनस टू है और ये भी रूट फाइव माइनस टू है, जब आप इन दोनों की गुना करेंगे तो ये बन जाएगा रूट फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है और ये रूट फाइव प्लस टू, ये भी रूट फाइव प्लस टू, तो ये बन जाएगा रूट फाइव प्लस टू का होल स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है। अब फिर से दो चीजें यहां पे अप्लाई हो सकती हैं, क्योंकि बीच में माइनस है तो अगर मैं इस पूरे को a मान लू तो a स्क्वायर माइनस, और इस पूरे को b मान लू तो b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b a माइनस b ठीक है। तो आप चाहे तो वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं तो जिससे ये आसान हो जाएगा, या तो दूसरा अगर आपको वो लग रहा है कि कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए तो आप अलग अलग इनके होल स्क्वायर को खोल सकते हैं, पर मैं आप लोगों को वही आइडेंटिटी बताऊंगा। एक बार मैं आइडेंटिटी भी लिख देता हूं कि भाई
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पे क्या होगा, ये बन जाएगा रूट फाइव प्लस टू, सॉरी माइनस टू, इसमें एक बार प्लस हो जाएगा रूट फाइव प्लस टू, ठीक है, ये पूरा टर्म प्लस हो गया। और एक बार इनको माइनस करना है तो हम लिख सकते हैं अलग अलग इनके ब्रैकेट लगा देना, और एक बार आप इनको माइनस कर दो, रूट फाइव माइनस टू माइनस रूट फाइव प्लस टू, एक बार माइनस कर दिया, और पूरे के नीचे हमारा चल रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि पाँच, रूट फाइव का स्क्वायर, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव ही होगा, और टू का स्क्वायर बन जाएगा फोर, तो टू का स्क्वायर फोर। अब आपको एक बार इनको प्लस करना है, एक बार इनको माइनस करना है, तो मैं प्लस करता हूँ एक बार, उसके लिए हम इनका साइन चेंज, प्लस के लिए तो साइन चेंज नहीं करेंगे, माइनस के लिए करेंगे। फिलहाल ये बन जाएगा रूट फाइव माइनस टू प्लस रूट फाइव प्लस टू, ठीक है, और जब आप इसको करेंगे तो बनेगा रूट फाइव माइनस टू माइनस रूट फाइव प्लस टू, सॉरी माइनस टू, ठीक है। अरे रूट फाइव माइनस टू, अब ये वाला जो माइनस है ये सब दोनों के साइन चेंज कर देगा, तो ये प्लस का रूट फाइव माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का टू जो है वो भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और नीचे फाइव माइनस फोर, नीचे क्या चल रहा है, फाइव माइनस फोर, फाइव माइनस फोर कितना होता है वन, तो नीचे तो आ गया वन, वन को गायब कर देंगे। अब देखेंगे आप कि ये प्लस, ये माइनस का टू है और ये प्लस का टू है, तो ये आपस में कट जाएंगे, और ये कट जाएंगे तो बचेगा रूट फाइव, और प्लस में रूट फाइव तो बनेगा टू रूट फाइव। मैंने आपको बताया था कि ये कब जुड़ते हैं, जब रूट के अंदर सेम वैल्यू होती है, तो यहां भी रूट के अंदर फाइव है, यहां भी रूट के अंदर फाइव है, तो ये बन जाएगा टू रूट फाइव। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे रूट फाइव प्लस का और ये रूट फाइव माइनस का, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहां बनेगा माइनस टू और माइनस टू माइनस फोर, तो ये हो गया और माइनस फोर, ठीक है, ठीक है। और नीचे का वन हटा दो, नीचे का वन हटा देंगे तो अब इनकी क्या करनी रहेगी, लास्ट में गुना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो फोर की मल्टीप्लाई करेंगे टू से, माइनस का फोर को टू से करोगे तो माइनस का एट, और रूट के अंदर कितना है फाइव, तो यही आ गया आपका आंसर, माइनस का एट रूट फाइव, ठीक है। तो आप खुद ही देखें, देखने में कितना बड़ा लग रहा था, पर आंसर हमारा लास्ट में इतना सा आया, उसमें करा क्या हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, और नीचे आपस में, और हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, और उसी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही और भी हमारे पास क्वेश्चन है आरडी शर्मा के, हम एक दो क्लास इसके, इससे रिलेटेड और करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है उस सबको निपटाएंगे। वैसे जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ये तो मैंने एक एक क्वेश्चन कराए हैं, पर हर टाइप के ऐसे पाँच पाँच छः छः क्वेश्चन इस बुक के अंदर हैं, तो आप इस बुक को खरीद लीजिए आरडी शर्मा को, ठीक है ना, और आप इसमें से प्रैक्टिस कीजिए, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको, आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा अच्छे क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप सारे, मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप सारे करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इतना पॉसिबल नहीं है कि हम मैं सारे क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि हर चैप्टर के उसमें लगभग 300-400 क्वेश्चन है, अगर हम हर क्वेश्चन करने लग गए तो हमारा साल खत्म हो जाएगा, पर किताब खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा कराना पॉसिबल नहीं है, पर आपका करना जरूर पॉसिबल है, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें आपको करानी है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए भी कुछ अनसॉल्व्ड चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप खुद करें चार पांच क्वेश्चन जो भी हर टाइप के हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मेरा फोन नंबर पता ही है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, अगर कहीं आप फंसते हैं तो, ठीक है ना। बाकी आगे बढ़ते हैं हम अगली क्लास में, इससे आगे पढ़ेंगे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।